गया के एपी कॉलोनी स्थित टूर ऑर्गेनाइजर अलीजा टूर एंड ट्रेवल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अलीजा टूर एंड ट्रेवल्स पर लोगों को उमरा के नाम पर पैसे लेकर उमरा न कराने का गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, लोगों को यह खबर मिली कि अलीजा टूर के एमडी सद्दाम शहर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग अलीजा टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मौजूद लोगों ने बताया कि अलीजा द्वारा उनसे उमरा पैकेज के लिए लाखों रुपए इस वादे के साथ लिए गए कि कुछ महीने में उन्हें उमरा पर भेजा जाएगा, लेकिन पैसे लेने के बाद उमरा के नाम पर आनाकानी करने लगे और फोन रिसीव तक नहीं किया गया। लोगों ने यह आरोप लगाया कि उनके कई परिवार के लोगों के साथ झूठे वादे कर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, पर उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया और कई लोगों को झूठ बोलकर एयरपोर्ट तक बुलाया गया और लोग को वापस अपने गया और पटना अपने घरों तक लौटना पड़ा। भीड़ को बढ़ता हुआ देखकर रामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अलीजा के एमडी सद्दाम से पूछताछ करने लगी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस से मांग की कि सद्दाम गिरफ्तारी ना करते हुए पैसे वापस करने के लिए कहा जाए। हालांकि पूरे मामले में सद्दाम ने कहा है कि लोगों के पैसे उन्हें वापस किए जाएंगे और वो कहीं नहीं भाग रहे हैं। छतरा के रहने वाले मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, वो पांच आदमी है, 60,000 रुपया में तय हुआ था जी, और जाना था 30 तारीख को, 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को आया। फोन किया गया तो फोन नहीं उठाया, जब यहाँ आया तो बोला नहीं नहीं आया है, ये आया वो है, मतलब इसी तरह टालने लगा। टिकट और हाँ, कुछ नहीं बता क्या रहे, कुछ तो कारण बता रहे। वो कुछ नहीं बोल रहा कि हवाला से पैसा गया, तो ये पैसा गया से पैसा वहाँ ब्लॉक कर गया, कोई रख लिया नहीं भेजा। हवाला से इसका पैसा जाता है, ये सब तो पैसा हवाला से नहीं जाता है। कब से शुरू हो रही थी जी आपकी यात्रा, कब से शुरू हो रही थी? 30 अक्टूबर जी, 30 अक्टूबर तो आप नहीं जा सके? नहीं जा सके। ऑनलाइन अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंच? नहीं ऑनलाइन बुकिंग किए थे? नहीं आकर के यहाँ से ये अलीजा वाले जो बुक किए, जिनसे आपकी बातचीत हुई, सद्दाम से बातचीत हुई, मालिकान वो सद्दाम है? हाँ सद्दाम है, और एक लड़की है उसके साथ, उसका फ्रेंड है जो होने वाली कल, मतलब उसका क्या बोलते हैं, जीवन साथी बोलिए या वाइफ बोलिए, जो बोलिए, हाँ मुसरत वो है, हाँ मुसरत परवीन है। और जितना आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, आप लोग पैसा वापस कर दे, बस पैसा वापस, अगर जरूरत पड़ी तो केस करेंगे, वो तो खैर सोचेंगे उसके लिए, वो तो फिर लास्ट में पैसा लेने के लिए कुछ भी करने पड़ेगा तो कर भी करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हमको पैसा चाहिए।